सम्माननीय शिक्षक साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम प्रथम प्रशिक्षण निष्ठा के प्रश्नोत्तरी हल करते हैं और देखते हैं कितने नंबर प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? इसमें इस पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की कई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। राम दृष्टिबाधित छात्र है। निम्नलिखित में कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, ऑडियो क्लिप्स, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइलस। इसमें स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? NCERT को NCEF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। सभी यह पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। सभी समान विकलांगता वाले दो बच्चे कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। सभी कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। शिक्षक का विश्वास है कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सभी शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। RTA अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10 दो डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? इनमें से कोई नहीं। 5 धन 3 धन 3 धन 4, 3 धन 5 धन 3 धन 5, 5 धन 3 धन 4, 5 धन 3 धन 3 धन 4। इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। काम करने के कई साधन, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, प्रस्तुत के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले एक ही स्कूल में भाग लें लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग अलग कक्षाओं में सीखते हैं, एक साथ सीखे और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। सभी एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित हैं। एक साथ सीखें और शिक्षण सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित हैं। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था?
1986 और 2019, 1966 और 1992, 1968 और 1986, 1967 और 1989, 1968 और 1986 टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0, 10 बाई 10।